कहने लगे हमारे बुजुर्ग पैदल चल रहे हैं, हमें साथी पर शोभा नहीं दे रहे। देखिए कितनी शिष्टाचार की भावना है 5 वर्ष के बच्चे में। और आज बाबा जी हमारे जो नौजवान भैया को बस में यात्रा करें तो जे सीट पे बैठे होए कोई बुजुर्ग आए कि कहें लला हम पे खड़ो ना है बहु जाए रहो ऐसे करो हमें बैठ जान दो तो जे सीना ताने के कहते हैं कहे तुम नहीं किराओ दो मने ना दो। और एक बात तो बताए दत्ता जे नए नए भैया से अगर तुम अपनी तरफ से राम राम और कर लो फिर तो जे पट्ठा अपनी कंधा देखता है बताओ हम कछु लगले करे दस जे बड़े बड़े राम राम करते हैं। लेकिन ध्रुव के अंदर कितनी शिष्टाचार की भावना। आज ध्रुव अयोध्या में आए तो सब कहने लगे लाला चलो अपनी मैया के पास। ध्रुव कान लगे मैं मैया के पास पहले थोड़ी जाऊंगा। बोले लाला कहाँ चलियो? कहने लगे मैं अपनी मौसी के पास में जाऊंगा, मेरी मौसी मुझ में धक्का नहीं लगाती तो आज मुझे भगवान की प्राप्ति ना होती। सुरची का दरवाजा बंद है, ध्रुव आवाज लगा रहे मौसी अरे अब तो दरवाजो खोल दे, तूने कही हती के जंगल में जाई के तपस्या करिए तब जा गोद में बैठे गो, मैया में तपस्या करके आयो अब तो गोदी ले ले। और ध्रुव बोले हैं मैया सुरुचि शर्म के कारण दरवाजा नहीं खोल रही है। दासी कान लगी तब तो तुम्हें तरस नहीं आओ तब डाइन बने ऐसो धक्का मारो जैसे तुम्हारे कहू ललई ना होवे तुम्हें ने को तरस ना आओ अब जाओ खोलो जाए के दरवाजो। सुरुचि कान लगी ओ बेना तू जहर लाई के दे दे हम तो जहर खाई के मज्जा जाए लला को कैसे मुंह दिखाइए।
आज दरवाजा खुला है। ध्रुव ने सबसे प्रथम अपनी मौसी को प्रणाम किया, मौसी के चरण छुए। मौसी, अगर तू मुझ में धक्का नहीं मारती तो आज मुझे परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। उसके बाद अपने पिता के पास में आए, सबसे लास्ट में अपनी मैया के पास पहुंचे और देखिए मैया रो रो करके अंधी हो गई है। जब से ध्रुव वन के लिए गए थे तब से भोजन की कौन कहे, मैया ने जल का भी आहार नहीं किया। और देखिए ध्रुव की कोई ताकत नहीं थी जो भगवान को प्राप्त कर लेते, ये मां की देन थी। मां ने भी तपस्या की थी घर पर। और दूसरा कारण और भी था, ये ध्रुव पूर्व जन्म में महात्मा थे, इन्होंने तप किया। जब तप किया और तपस्या में 6 महीना बकाया रह गए तब तक इनकी मृत्यु हो गई। तो 6 महीना जा जन्म में तपस्या करी और भगवान को प्राप्त कर लिया, बोल गोविंद भगवान की। ध्रुव ने कहा मैया मैं आ गया, लेकिन सुनीता को विश्वास नहीं हो रहा। मैं समझ रही हूं कोई बैरूपी आए, मेरे लला को रूप बना के आयो है। ध्रुव ने फूंक लगाई, नेत्रों की रोशनी आ गई। मैया ने ध्रुव को छाती से लगाई, लला तू तपस्या करके वापस आ गया। बोले हाँ मैया, मैं भगवान को प्राप्त करके आयो हूँ। हम कैसे माने, तो भगवान मिले हमें दर्शन कराए तब तो हम जाने। आज ध्रुव ने ओम नमो भगवते मंत्र का उच्चारण किया, चतुर्भुजी भगवान प्रकट हो गए। कहने लगे देवी अरे तुम हमसे वरदान मांग लो। सुनीता मैया बोली है प्रभु अगर वरदान देना चाहते हो तो सुनो। देखिए क्या वरदान मांग रही है। जब जब धरी के ते हरे जा जग में स्वामी प्रभु अगर वरदान देना चाहते हो तो एक वरदान दो, जय तो लला मिले, जय पिया मिले और जय सो